आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब शरह ली सदरी व यसर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا। اللهم علمني الكتاب والحساب। اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت। اللهم خذ بيدك। मेरे बच्चों आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर भी 3 है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पीरियड्स और ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स की। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि पीरियड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है, याद है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल या कॉलम्स हैं एलिमेंट्स के, दे आर सेड टू बी द ग्रुप्स। और जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स की रोज हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। सो जनाब अली, पीरियड एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, तो पहले पीरियड की डेफिनेशन है द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स जो दाएं से बाएं लकीरें हैं एलिमेंट्स के इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आर कॉल्ड पीरियड्स। और द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, सुन रहे हो, इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। फर्क है दोनों में, हॉरिजॉन्टल लाइंस नीचे डालना चाहिए, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स क्या है जी पीरियोडिक टेबल में, तो हाउ मेनी पीरियड्स यू फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल, तो आपको कितने पीरियड्स मिले हैं पीरियोडिक टेबल में, 7। तो देयर आर 7 पीरियड्स। फिर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट, सुन रहे हो, इन पीरियड 1 और 2, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड नंबर 2 आर 8, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड नंबर 3 आर 8, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 4 आर 18, पीरियड 5 आर 18, 6 इज 32, इसे लॉन्ग पीरियड कहते हैं, नीचे आ रहा है अभी। और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड नंबर 7 आर 23, टोटल ऐड कर लो कितने एलिमेंट्स है पता चल जाएगा। फर्स्ट 3 पीरियड्स कौन से, पहला दूसरा और तीसरा, इनको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। और आपका चौथा पांचवा छठा सातवां आर कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड्स, एंड द रिमेनिंग पीरियड्स आर कॉल्ड फर्स्ट 3 पीरियड, पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 3 आर कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड्स, क्योंकि इनमें एलिमेंट्स कम है और बाकी उनको क्या कहते हैं, उनमें एलिमेंट्स ज्यादा है। प्रॉब्लम किसी को, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विद इन द पीरियड चेंज ग्रेजुअली, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं एक पीरियड में वो चेंज होती है, तब्दील होती है। जैसे आप पीरियड को देखें, इसमें देखें पहले क्या, हाइड्रोजन फिर हीलियम नोबल गैस बन गया, लिथियम के बाद क्या आ गया, बेरिलियम, मेटल है वो भी लेकिन वो लेस मेटालिक है, बोरोन उससे लेस, फिर कार्बन नॉन मेटल बन गया, आगे नॉन मेटल। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, ग्रेजुअली चेंज होती है, दर्जा बदर्जा, ग्रेजुअली का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सोडियम से जाओ ना आर्गन की तरफ तो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही, बट व्हेन यू मूव फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, जब जैसे ही आप एक पीरियड से दूसरे में जाएंगे, लिथियम से कहां जाएंगे, सोडियम, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट द पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज विद इन ए पीरियड रिपीट। आप समझ आया, जब आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाएंगे तो जो पहले पीरियड में प्रॉपर्टीज थी वही सेकंड में रिपीट होंगी। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द पीरियोडिक लॉ। क्लियर हुआ, ये बिल्कुल एन मुताबिक है पीरियोडिक लॉ के। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है जनाब आपकी, लुक एट द पीरियोडिक टेबल एंड राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेलेवेंट पीरियड इन द टेबल नंबर 3.1। इस टेबल में आपने ये बताना है कि क्या, लुक एट द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पे देखिए एंड राइट और लिखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की तादाद, प्रेजेंट जो मौजूद है इन द रेलेवेंट पीरियड, रेलेवेंट का मतलब मुतालिका पीरियड में इन द टेबल। तो पहले में कितने हैं, दूसरे में कितने, तीसरे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते जाए। ग्रुप, ग्रुप्स की क्या डेफिनेशन, द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। प्रॉपर्टीज क्या है ग्रुप्स की, एलिमेंट्स विद सिमिलर का मतलब एक जैसी, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है, आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप।
लिथियम का आखिरी जल में एक इलेक्ट्रॉन है, समझ आया, 2s1 आता है, सोडियम 3s1 आता है। दो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, वो सारे एक ग्रुप में आते हैं। समझ आ गया? ईच ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय ए नंबर एंड ए लेटर ए और बी। जितने भी आपके ग्रुप हैं उनकी शनाख्त की जाती है एक नंबर और एक लेटर से। नंबर देखे 1 ए लिखा हुआ, 2 ए लिखा हुआ, 3 ए लिखा हुआ, 4 ए लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ बोल दे, नहीं नजर आ रहा, नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो हर ग्रुप की निशानदेही की जाती है एक नंबर और एक लेटर से। अब जो जिनके साथ ए आएगा, ग्रुप ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है जी। ग्रुप बी एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसकी वजह क्या है बच्चे, इनकी वैलेंसी जो होती है ना, इनकी वैलेंसी जो होती है ना, वो 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 चेंज होती रहती है। ये एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, और ट्रांस का मतलब होता है क्रॉस करना, क्या है ना। अब ये जो आपके एलिमेंट्स, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट सुन रहे हो, ये नॉर्मल ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, इनसे यहां तक जाने में आपको इनको क्रॉस करना पड़ता है, फिर आप पी में पहुंचते हैं, समझ आए। तो इस मुनासिब से भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और मजे की आपको बात बताऊं, या आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में सीखेंगे या सेकंड ईयर में सीखेंगे, चले वहीं सीखिएगा। वैसे आपके तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18, लेकिन यहां तो तीसरे में 8 आ गए बस, और उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गया, पोटेशियम। तो जो 10, पता क्या होता है, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं ना शेल में, तो तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स किस में जंप कर जाते हैं, चौथे में, चौथे क्या सब शेल, फिर आप समझ आ रही है। अब तीसरे याद रखना, बाहर सुनना, हालांकि तीसरे में डी सब शेल आना चाहिए था, 3 है ना, एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा, लेकिन तीसरे शेल का जो डी सब शेल है वो कहां जाके आ रहा है, चौथे ग्रुप। ये 3D एलिमेंट्स, ये आप समझ आया नहीं है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं, याद रखना, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके जिनके याद रखना, याद रखना, एलिमेंट्स जिनके जिनके इलेक्ट्रॉन्स, जिनके इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर एनर्जी लेवल को फिल करते करते एकदम कहां चले जाता है, हाई एनर्जी लेवल को फिल करना शुरू कर देते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांस हो रहा है, ये भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, और यहां से अभी इधर जा रहे हैं, नॉर्मल एलिमेंट से नॉर्मल की तरफ अब जा रहे हैं, बट यू विल हैव टू क्रॉस दीज एलिमेंट्स। यार ये है डेफिनेशन इनकी। तो ग्रुप बी एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सम ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल हैव बीन गिवन द ग्रुप नेम्स। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स को उनके ग्रुप नेम्स भी दिए गए हैं। ग्रुप 1 है एलिमेंट्स, इसमें आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रैंकियम है, इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक एलिमेंट्स इन द ग्रुप नंबर 1A आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को आर कॉल्ड अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है। ग्रुप 7A एलिमेंट्स को हैलोजन्स कहते हैं। हैलो का मतलब साल्ट होता है, जन का मतलब फार्मर होता है, ये साल्ट्स बनाते हैं। अल्कली मेटल्स क्या करते हैं बेटा, याद रखना, इनके ऑक्साइड्स जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये बेसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेसिस। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कलीज कहते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स हैं वाटर में डिसॉल्व होकर आपको बेसिस देते हैं। सो देयरफॉर दे आर सेड टू बी द अल्कलीज। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी वाटर में डिसॉल्व होकर इनके ऑक्साइड आपको अल्कलीज देते हैं। और दूसरी बात जो है, इनकी जमीन के जो क्रस्ट है ना उसके अंदर अच्छी खासी मिकदार मौजूद है किन की, 2A एलिमेंट, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। समझ आ? 7A को हैलोजन्स कहते हैं और 8A को लास्ट ग्रुप एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहते हैं। समझ आ? बिकॉज़ दे डू नॉट रेडियली अंडरगो केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस करती ही नहीं है, समझ आ? इसलिए इनको इनर्ट एलिमेंट्स पहले कहते थे, बाद में नोबल गैसेस कहना शुरू कर दिए। याद है किसी को? मतलब अब जनाब
मैं आपको पहले ये पढ़ाता हूँ ना, जॉन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कभी मौसीकी के सुरों का पता है? मौसीकी के सुर नहीं पता, सा रे गा मा पा दा नी फिर सा, आ सीधा करो, चलो आज मैं राशि भी करूँ क्या, सा रे गा मा पा दा, आगे छठी करो ना, नहीं मेरी छठी नहीं है, सा रे गा मा पा दा नी, फिर वापस सात, सात आते हैं सुर, सात सुर उसी की के, तो सेवंथ के बाद फिर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। उस टाइम नोबल गैसें दरियाफ्त नहीं हुई। न्यूलैंड एक म्यूजिशियन था, क्या था म्यूजिशियन, तो इसने क्या देखा जी नोबल गैसेस तो उस टाइम दरियाफ्त ही नहीं हुई थी, तो अगर नोबल गैसेस को हटा दे तो पहले में कितने एलिमेंट, दो है और दूसरे में सात है, नोबल गैसेस को छोड़ दें, तीसरे पीरियड में भी सात एलिमेंट्स हैं। तो वो कहता था कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेस, और उस टाइम एटॉमिक नंबर का किसी को पता नहीं था, तो अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए उनके एटॉमिक मैसेज में इजाफे की बुनियाद पर, तो एवरी एट एलिमेंट, हर आठवां आंसर जो है स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से आप शुरू कर लें, हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज, आठवें की खसूसियात पहले से मिलेंगी। देखें ली थी मैंने, उसके बाद बेरिलियम आ रहा है, बोरोन आ रहा, कार्बन आ रहा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद क्या है फ्लोरीन, ये शुरू में हाइड्रोजन के नीचे डालो, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सात पूरे, आठवें एलिमेंट की खसूसियत पहले से मिले। चलो यहां से गिनते, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठवें की खसूसियत किससे मिलेंगी, पहले वाले से मिलेंगे। चले बेरिलियम से गिनना शुरू कर दो, बुक खोल सकते हो, बुक खोल लो, बेरिलियम से गिनना शुरू करोगे तो देना मैग्नीशियम पे आठ होगा, सुन रहे हो जी। तो उसने यही कहा था इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी एटॉमिक मैसेज, ओए खोल लो किधर, एवरी एट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, समझ आया नहीं आया, उसके नीचे मैंने टेबल शो कर दिया आपके सामने। जॉन न्यूलैंड एंड इंग्लिश केमिस्ट, जॉन न्यूलैंड जो था एक इंग्लिश केमिस्ट था, उसने 24 के करीब एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया था। अब डिफेक्ट्स क्या थे, क्या डिफेक्ट्स ऑफ जॉन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, सुन रहे हो जी। उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया होगा, फॉलोइंग आर द डिफेक्ट्स ऑफ जॉन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, पहला जो डिफेक्ट है उसका वो ये है के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे करते हो, मास नंबर की बेसिस पे, आइसोटोप्स दरियाफ्त हुए ना तो मास तो फेल हो गया, मास की बेसिस पे तो आप एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सकते, वरना तो आइसोटोप्स ही पूरे पीरियोडिक टेबल में घूम रहे होंगे, किसी किसी एलिमेंट को तो भाई 11-11 आइसोटोप्स है, तब वो 11 बेसिस पे तो उसके आइसोटोप्स आएंगे। तो जनाब पहली चीज ये है कि His scheme, however, failed because many elements were found out of place in his arrangement. पहला डिफेक्ट मैंने आपको बता दिया, वो सबसे लास्ट में लिखा हुआ यहाँ पे। तो his scheme failed. उसकी स्कीम क्यों फेल हुई? आपने टेबल देखा, उसमें हाइड्रोजन के नीचे कौन आ रहा है? फ्लोरीन आ रहा है। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के नीचे कौन है? क्रिप्टोनिक क्रोमियम है, ठीक है? और सुन रहे हो नहीं सुन रहे? कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नीचे टाइटेनियम। बेटा क्रोमियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसकी खसूसियत एल्यूमिनियम से मिलती नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट। लोहा चेक करो, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, और सल्फर के नीचे क्या आ रहा? लोहा, आयरन, फेरम। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, और फास्फोरस के नीचे आ रहा मैंगनीज, है मैंने आ रहा है बच्चे, मैंगनीज भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये तो मिलता ही नहीं है नाइट्रोजन ग्रुप से। आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसकी खसूसियत ऑक्सीजन और सल्फर से मिलती ही नहीं, तो ये एलिमेंट्स जो थे आउट ऑफ प्लेस पाए गए, ये अपनी जगह पे नहीं है, अपनी जगह से हटे हुए थे, गलत जगह पे इनको अरेंज किया गया।
आप समझ आए? तो ये स्कीम हो और फील्ड इसकी स्कीम बाहर का फेल हो गई मैनी एलिमेंट्स बिकॉज बहुत सारे अनासर जो थे वो पाए गए और फाउंड आउट ऑफ प्लेस, वो अपनी असल जगह पे नहीं पाए गए इन हिज अरेंजमेंट इसकी तरतीब। और मजे की बात, देयर वाज नो प्लेस फॉर द नोबल गैसेस इन हिज टेबल, इसके टेबल में नोबल गैसेस की जगह ही कोई नहीं थी, वरना सात सुर पूरे ना होते, आठवां वो आ जाता ना तो आठ सुर बनाने पड़ते थे। सुन रहे हो? तो देयर वाज नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस इन हिज टेबल, इसके टेबल में नोबल गैसेस के लिए जगह ही नहीं थी। और तीसरा डिफेक्ट इज अरेंजमेंट वाज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेस, जो कि ये बात गलत है। एटॉमिक मास इज नॉट द बेस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेस। सुन रहे हो? जी। तो इज अरेंजमेंट वाज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेस दैट वाज चेंज्ड टू एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया जी? मसाला किसी को नोट्स है ना जी, उसी पे देख रहे हो ना जी? ये तीन डिफेक्ट्स आपके सामने आ गए। और उसके बाद जनाब मेंडेलीफ का भी कुछ लिखा हुआ ना जी। In 1869 में मेंडेलीफ एक रशियन केमिस्ट था, डेवलप्ड ए क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ एलिमेंट्स, उसने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की एक तरतीब ढूंढी, उसने भी एक तरकीब ढूंढी। ही रिकॉग्नाइज्ड दैट, उसने इस बात को तस्लीम किया, इफ एलिमेंट्स वर प्लेस्ड, अगर एलिमेंट्स को रखा जाए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस, किसमें एटॉमिक मैसेस में इजाफे के बुनियाद पर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड पीरियडिकली। सुन रहे हो? रेगुलर इंटरवल्स क्या होता है? पीरियडिकली, तो ये वही पीरियडिक टाइम है जो आपने शुरू में पढ़ा, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, ये प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड पीरियडिकली। सिर्फ आपने जो आपका शुरू का पीरियडिक लॉ है, पीरियडिक टेबल का जो पीरियडिक लॉ है, उसकी जगह पर एटॉमिक मैसेज क्या देना, तो मेंडेलीफ का लॉ बन जाएगा। ये ओल्ड पीरियडिक लॉ है। ये कौन सा लॉ? ओल्ड पीरियडिक लॉ। इसने मैसेज की बेसिस पे कहा था और मोज़ेले ने कहा था नहीं, एटॉमिक नंबर असल चीज है। ही अरेंज्ड 65 एलिमेंट्स, इसने 65 के करीब एलिमेंट्स को तरतीब दिया इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स और पीरियड्स। तो पहले इस बंदे ने पीरियडिक टेबल बनाया था और उसके बाद यह नया पीरियडिक टेबल आया। मसाला किसी को? तो उसके बाद जी आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज, आपने बड़े ही अच्छे बड़े महान बच्चे बनकर क्या करना है, ये बताना कि इन विच पीरियड एंड ग्रुप द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल। ये बताना कि ये जो एलिमेंट्स हैं किस ग्रुप और किस पीरियड में मौजूद हैं। मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर क्या और पीरियड नंबर क्या है, नियॉन का ग्रुप नंबर क्या पीरियड नंबर क्या है, सिलिकॉन का ग्रुप नंबर क्या पीरियड नंबर क्या है, बोरोन का पीरियड नंबर क्या ग्रुप नंबर क्या, और मुझे जो मैं सवाल करूंगा मुझे उसके भी जवाब चाहिए। सुन लो, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स और इसमें टोटल कितने शेल्स हैं, नियॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर टोटल शेल्स कितने हैं, सिलिकॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स और टोटल शेल्स कितने हैं, बोरोन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स और टोटल शेल्स कितने हैं। इसमें नेक्स्ट एक सेल पर एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल तो मैं अभी नहीं करवा रहा, एग्जांपल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिर सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस भी आपकी आएंगी और आपको ब्लॉक्स इन द पीरियड टेबल बताएंगे हम लोग, और इसी के साथ फिर इंशाल्लाह एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी, शेप ऑफ द पीरियडिक टेबल और ट्रेंड्स ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो इंशाल्लाह कल आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो। ठीक है जी, तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।